कि आज के दौर में ये दौर जो है गठबंधन का दौर है और देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों की बनावट और अपने स्थितियों पर खड़ा होकर के वो अलायंस करती है। हमारी भी पार्टी एनडीए की पार्ट है, एनडीए के हिस्सा है और हमारा बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। यहाँ माझी जी हैं या लोजपा रामविलास जी हैं, पशुपति पारस जी हैं, हम तमाम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया के पार्ट हैं, वो कांग्रेस के साथ अलायंस की हुई। क्या आखिर आपकी अपना एक रोड मैप है तो वो भूल कैसे जा रहा है, यानी कि आप उनके नजर में, उनके पार्टी के नजर में आप लोगों का कोई वजूद नहीं है? देखिए, अगर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के पास और यहाँ तक कि किसी नेशनल पार्टी के पास अगर प्रो पीपुल कार्यक्रम नहीं होगा तो राष्ट्रीय पार्टी भी वो क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसीलिए कार्यक्रम का होना जरूरी है और जिन क्षेत्रीय पार्टियों के पास प्रो पीपुल कार्यक्रम होगा और जनता के इशू पर अगर वो पार्टी बनी होगी तो पार्टियां खत्म नहीं होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनावी माहौल है और ऐसे में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उपज रहे हैं, यानी कि नई नई क्षेत्रीय पार्टी बन रहे हैं। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा जो कि दो दिन पहले पटना पहुंचते हैं और उस दौरान अपना भाषण दे रहे हैं, भाषण के दौरान वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टी का सफाया तय। यानी कि हम अगर पहले की अगर बात करें कि उससे पहले भी जब जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे तो उस समय भी उन्होंने यही कहा था, क्षेत्रीय पार्टी पर ही वार किया था, क्षेत्रीय पार्टी की सफाया की बात किए थे और उस दौरान सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा मिर्ची लगी तो वो है नीतीश कुमार, और उसी के बाद फिर नीतीश कुमार एनडीए पार्टी को छोड़कर महागठबंधन में गए, यानी कि आरजेडी पार्टी के साथ वो गठजोड़ कर लिए और इस बार फिर से क्षेत्रीय पार्टी पर ही वार किया जा रहा है। आखिर चुनावी माहौल है और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी पर वार करना, क्या बीजेपी में कई क्षेत्रीय पार्टी नहीं जुड़े हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टी सुनकर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, आज हम इसी बाबत बात करने के लिए आए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में और वहां के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। चलिए, अभी आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्षेत्रीय पार्टी पर फिर से जेपी नड्डा का आवाज, उस समय बुरा लगा, उस समय आप लोग भी आवाज उठाए थे जब उससे पहले वो कहे थे क्षेत्रीय पार्टी पर वार किए थे, उस समय आप लोग सभी लोग मिलकर भाई महागठबंधन में चले गए थे, इस बार फिर से, तो आखिर निगल कैसे पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वो किस संदर्भ में नड्डा साहब ने कहा वो नड्डा साहब ही बताएंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि भारत की जो भौगोलिक बनावट है, भारत की जो विविधता है और इस विविधता के अनुसार देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बनती है, सत्ता में आती है और बिहार में भी विभिन्न तरह की क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कुछ एनडीए के हिस्सा है और कुछ इंडिया अलायंस के हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों के पास एक सकारात्मक कार्यक्रम है वो क्षेत्रीय पार्टियों, उन क्षेत्रीय पार्टियों का बिहार में या देश के अन्य हिस्सों में वजूद बना रहेगा। अगर सचमुच प्रो पीपुल कार्यक्रम अगर उनके पास है तो क्षेत्रीय पार्टियां कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये बात सच है कि आज के दौर में ये दौर जो है गठबंधन का दौर है और देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों की बनावट और अपने स्थितियों पर खड़ा होकर के वो अलायंस करती है। हमारी भी पार्टी एनडीए की पार्ट है, एनडीए के हिस्सा है और हमारा बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। यहाँ माझी जी हैं या लोजपा रामविलास जी हैं, पशुपति पारस जी हैं, हम तमाम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया के पार्ट हैं, वो कांग्रेस के साथ अलायंस की हुई हैं। तो यही मूल मामला है, क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति आज भी है
और आने वाले दिनों में भी रहेगी। सवाल यही है मेरा सर कि उस बार भी यह बोला गया था, उस समय आप लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। आपने कहा भाई हम लोग एनडीए में हैं, आप हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम की पार्टी है, यानी कि मांझी जी की पार्टी है, अभी आप लोग एनडीए में, लेकिन उस समय आप लोग एनडीए में नहीं थे, उस समय आप नीतीश कुमार जी की पार्टी में थे, और उसके बाद फिर हजम आप लोगों को भी नहीं हो रहा था। उस समय भी आप लोग बयान दे रहे थे कि इस तरह से जेपी नड्डा कैसे कह के चले गए, और फिर विरोध में वहां से बीजेपी से आप लोग हट गए, बीजेपी छोड़कर फिर आप लोग आरजेडी के पास चले गए, भले ही आप लोगों की टूट हो गई फिर यहाँ गए। वही मेरा सवाल है कि आखिर इस तरह का जो वक्तव्य जो बोला गया, इस बार कैसे हजम हो गया? देखिए, हजम होने की बात नहीं है, हर पार्टियों का अलग अलग अपना पॉलिटिकल स्टैंड है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी अपनी बात कर रही है। हमारे पास एक बिहार के लिए एक रोड मैप है, हम अपने पार्टी कार्यक्रम के अनुसार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को सुदृढ़ कर रहे हैं, और कुछ मुद्दों पर हमारी बीजेपी के साथ सहमति है और हम एक अलायंस के हिस्सा। वही तो मेरा सवाल है कि आखिर आपकी अपना एक रोड मैप है तो वो भूल कैसे जा रहा है, यानी कि आप उनके नजर में, उनके पार्टी के नजर में आप लोगों का कोई वजूद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जनरल बात बोले हैं कि देखिए, अगर किसी भी क्षत्रिय पार्टी के पास और यहाँ तक कि किसी नेशनल पार्टी के पास अगर प्रो पीपुल कार्यक्रम नहीं होगा तो राष्ट्रीय पार्टी भी वो क्षत्रिय पार्टी बन जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसीलिए कार्यक्रम का होना जरूरी है, और जिन क्षत्रिय पार्टियों के पास प्रो पीपुल कार्यक्रम होगा और जनता के इशू पर अगर वो पार्टी बनी होगी तो पार्टियां खत्म नहीं होगी। हाँ, अलायंस अपनी अपनी स्थिति के अनुसार वो कर सकते हैं। जेपी नड्डा भी अभी आए चुनाव को लेकर, लोकसभा का चुनाव है, उसमें आप लोग किस तरह से उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं? देखिए भाई, हम लोग तो एनडीए के हिस्सा है, बिहार में 40 सीट है, एनडीए के उम्मीदवार जहां कहीं से खड़ा होंगे हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए के पक्ष में रहेगी, और हम लोगों की तरफ से कोशिश होगी कि 40 में 40 सीट हम लोग चुनाव जीते। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि उस बार जेपी नड्डा आए थे, उस बार उन्होंने भाषण दिया था क्षेत्रीय पार्टी पर, उस समय बहुत सभी को बुरा लगा था, लेकिन इस बार फिर से क्षेत्रीय पार्टी पर ही कमान कसा गया है। तो क्या यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जेपी नड्डा यह भूल जाते हैं कि उनके पार्टी में जो उनका एनडीए जो है उसमें क्षेत्रीय पार्टी उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये इन क्षेत्रीय पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो अकेले ही बिहार में हो या कोई अन्य राज्य में जाते हैं तो अकेले ही वहां पर सरकार बनाने का दम भरते हैं, क्या है ये? कमेंट्स जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।